चार दिन पहले रामनगर से अपहरण व्यापारी का शव मुरादाबाद में गन्नों के खेत से बरामद किया गया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरा आरोपी अब भी फरार चल रहा है। शुक्रवार को पुलिस ने व्यापारी हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक सोहिल सिद्दीकी का कुछ दिन पहले अपहरण हुआ था, जिस संबंध में मृतक के भाई जुबैर ने मामले की जानकारी पुलिस को दी थी। वहीं पुलिस की चार टीमें व्यापारी की तलाश कर रही थी। जांच में पुलिस को आरोपी भरत आर्या से सोहिल की रंजिश की बात पता लगी, जिस पर गुरुवार को पुलिस ने भरत से पूछताछ की। वह पुलिस को गुमराह करने लगा, जिस पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने हत्या की बात कबूली। आरोपी ने बताया कि हत्या में उसका दोस्त दिनेश टमटा भी शामिल है। आरोपी भरत ने बताया कि कई साल पहले उसकी बहन व सोहिल सिद्दीकी के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन सोहिल आरोपी की बहन से शादी नहीं करना चाहता था, जिस पर उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी और बहन की मौत से वह काफी डिप्रेशन में था, जिस पर भरत ने सोहिल की हत्या करने का मन बनाया और 14 जुलाई को वह एक माह की छुट्टी लेकर घर आया था। 2 अगस्त की शाम जब मृतक अपनी दुकान बंद कर घर जाने के लिए निकला तो उन्होंने अपनी कार से सोहिल की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे सोहिल नीचे गिर गया। तभी दिनेश व भरत ने कार में रखी लोहे की रॉड से मृतक के सिर पर वार किए, जिससे सोहिल की मौत हो गई। वहीं हत्या के बाद भरत ऑल्टो कार में शव रख कर मुरादाबाद के काट छजलेट क्षेत्र में ले गया और पेट्रोल छिड़क कर सोहिल के शव को आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कार, लोहे की रॉड व मृतक की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि घटना में लिप्त दिनेश फरार चल रहा है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मामला कोतवाली रामनगर का है। सोहेल सिद्दीकी जो कि नंदा लाइन के निवासी थे और चोरपानी में इनकी दुकान थी, 2 तारीख की रात्रि 9 बजे के बाद से ये मिसिंग थे। इनके घर वालों ने इसकी सूचना कोतवाली रामनगर में दी। पहले ये मिसिंग में गुमशुदगी में दर्ज किया गया और उसके बाद पुलिस जब इसमें तफ्तीश कर रही तो ये बात सामने आई कि कहीं ना कहीं से इसमें भरत आर्या जो कि निवासी चोरपानी है उनका हाथ है। भरत आर्या को हिरासत में लिया गया और उसके बाद जब सख्ती से पूछताछ की गई तो मामला ये आया कि इन्होंने कहा कि मैंने अपने एक दोस्त दिनेश टमटा के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। अभियुक्त की निशानदेही पे सोहिल सिद्दीकी के शव को थाना मुरादाबाद, थाना छजलेट, जिला मुरादाबाद से बरामद किया गया। वहाँ पर इनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम किया गया। इस हत्या में जो प्रयुक्त की गई थी ऑल्टो कार और जो मृतक की मोटरसाइकिल थी आला कतल था, इसको पुलिस ने बरामद किया। इसमें 2 लोगों की संलिप्तता आई है, जिसमें भरत आर्या की गिरफ्तारी हो चुकी है, दिनेश टमटा की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि सबको विदित है कि रामनगर में एक नौजवान युवा स्पोर्ट्स क्रिकेटमैन खिलाड़ी की इतनी बुरी तरीके से हत्या की गई है कि अभी अभी पोस्टमार्टम हाउस से जो फोटो जा रहे हैं कि उसको एसिड डाल करके उसकी बॉडी को मतलब गलाया तक गया है, उसके चेहरे पे तेजाब डाला गया है। हमारा मानना है कि इतनी निशंस हत्या में शामिल जो कि वीडियो की जो फुटेज आई है उसमें 5 लोग पाए गए हैं, जो वीडियो फुटेज में उसको गाड़ी में डालते हुए उसके साथ मारपीट करते हुए पाए गए। हमारा मानना है कि एक परिवार ने और उन्होंने पूरे परिवार ने मिलकर के अपने अन्य साथियों के साथ इसमें कई सारे लोगों ने मिलकर के एक साजिश के तहत उसकी हत्या करी है। हमारा पुलिस प्रशासन से डिमांड है, उनसे पुरजोर मांग है कि इस हत्या में जितने भी लोग शामिल हैं सभी को गिरफ्तार किया जाएगा, ना कि एक आदमी की गिरफ्तारी से रामनगर की जनता या उसका परिवार संतुष्ट नहीं है।